हाँ जी प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 12वीं जमात की काव्य यात्रा पुस्तक के पहले कवि भाई वीर सिंह जी की पहली कविता करन जा रहे हाँ, कंब दी कलाई। भाई वीर सिंह जी की इस कविता विच भाई वीर सिंह ने अपने एक सुपने का वर्णन किया है बेटा, कि सुपने विच उन्होंने की देखिया, किस तरह का सुपना सी, वो सारा एक कविता के रूप में उन्होंने लिखा है। आओ कविता की व्याख्या करते करते नाल नाले सब कुछ जानते हैं। सुपने विच तुसी मिले असानू, असा धाग लवकड़ी पाई, निरा नूर तुसी हाथ ना आए, साड़ी कंबदी रही कलाई। इस विच भाई वीर सिंह जी फरमाते हैं कि मैनू सुपना आया, तो सुपने दे विच की होया कि हे परमात्मा मैनू तेरे दर्शन होए। सुपने दे विच कविता दे विच सुपने च कौन आया? परमात्मा आया। परमात्मा ने जो सुपने विच दर्शन दिते तो भाई वीर सिंह जी कहिंदे आ कि मैं भज के तुहानू ता मतलब भज के तुहानू गलबकड़ी पाउणी चाही, तुहानू अपनियां बाहां विच लैणा चाहिया, पर निरा नूर तुसी हाथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। पर तुसी तां निरा नूर सी, रोशनी दा भंडार सी, मेरे हाथ ना आ सके, मैं तुहानू छू ना सकिया, तो मेरी जिहड़ी कलाई सी, कलाई जिहनू आपां गुट जां बीणी कह दिंदे आ, कि मेरी कलाई जिहड़ी सी उह कंबदी रहि गई। भाव पहले पहरे विच गुरु सानूं भाई वीर सिंह जी की दसदे आ कि हे परमात्मा तुसी मैनूं सुपने दे विच दर्शन दित्ते, ते उहदे विच की होया कि मैं तुहानूं गलवकड़ी पाउणी चाही सुपने विच जदों तुसी मैनूं मिले, पर तुसी निरा नूर सी, रोशनी दा भंडार सी, मैं तुहानूं छू ना सकिया, तुहानूं प्राप्त ना कर सकिया, ते मेरी जिहड़ी कलाई सी उह कंबदी रहि गई। अगे फिर की कहिंदे आ भाई वीर सिंह जी कि धा चरना ते सीस निवाया, साडे मत्थे छोह ना पाई, तुसी उच्चे असी नीवें सां, साडी पेश ना गई अकाई। फिर भाई वीर सिंह जी कहिंदे फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, जदों तुसी मैनू मैं तुहानूं प्राप्त ना कर सकिया, मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं भज के धा मतलब भज के तुहाडे चरना ते सीस निवाउणा चाहिया, पर साडे मत्थे छोह ना पाई, पर जिहड़ा मेरा मत्था सी उह तुहाडे चरणा नूं स्पर्श ना कर सकिया, मतलब छू ना सकिया तुहाडे चरणा नूं, मतलब मैनूं तुहाडा स्पर्श जिहड़ा है उह प्राप्त ना होया। क्यों? क्योंकि तुसी बड़े उच्चे सी अते मैं बहुत नीवा सी, इस करके मेरी कोई पेश ना गई अते फिर मैं तुहानूं प्राप्त ना कर सकिया। इहदे विच फिर अगे दी गल कीती है कि मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी, तुहानूं पाउण दा यतन नहीं मैं छड्डिया, पर फिर भी मैं तुहानूं छू ना सकिया, तुहाडे चरणा ते भी मैं स्पर्श ना कर सकिया, क्योंकि तुसी बहुत उच्चे ते मैं बहुत नीवा सी, मैं तुहानूं प्राप्त ना कर सकिया। अगे फिर भाई वीर सिंह जी कहिंदे आ कि फिर लड़ फड़ने नूं उठ दौड़े, पर लड़ उह बिजली लहरा उड़दा जांदा, पर उह अपनी छू गया, छू सानूं गया लाई। तां इहदे विच भाई वीर जी कहिंदे कि उदू बाद मैं की होया कि जदों मैं तुहानूं छू ना सकिया, मेरे तुहाडे चरणा नूं ना छू सकिया, तां मैं फिर उठिया ते तुहाडा लड़ फड़न लई दौड़ पिया। फिर लड़ फड़ने नूं उठ दौड़े, मतलब तुहाडा लड़ फड़न लई मैं फिर उठ के दौड़िया, पर लड़ उह बिजली लहरा, पर उह तुहाडा जिहड़ा लड़ सी उह इक बिजली दी लहर सी, बिजली दी लहर दी तरह चमकदा होया सी, उहनूं मैं फड़ तां नहीं सकिया, उड़दा जांदा, पर उह अपनी छू गया सानूं गया लाई, पर उह उड़दा जांदा सी जदों तुहाडा लड़, उहनूं मैं फड़ तां ना सकिया, पर उह इक स्पर्श मैनूं दे गया, उह मैनूं छू के अगे चला गया। उहदे नाल फिर की होया? जदों तुहाडे सिर्फ लड़ दी मैनूं छू प्राप्त हो गई, तां मिट्टी चमक पई ए मोई, ते तुसी लूआं विच लिशके, बिजली कूंद गई थरां दी, हुण चका चूंद है शाई। तां भाई वीर सिंह जी कहिंदे भावें मैं तुहाडे लड़ नूं फड़ नहीं सकिया, पर उहदे इक स्पर्श करन नाल ही, तुहाडी मतलब ज्ञान दी इक झलक मिलन नाल ही, मेरी इह जिहड़ी मरी होई मिट्टी सी उह चमक पई, मिट्टी चमक पई ए मोई, मतलब मेरे इस निर्जीव शरीर दे विच जान आ गई, ते मेरे अंदर ज्ञान दी रोशनी होण करके चमक आ गई, ते तुसी लूआं विच लिशके, ते तुसी मेरे लूं लूं विच लिशकण लग पए, पर भाव मैनूं तुहाडी सोझी हो गई, मैनूं ज्ञान हो गया, बिजली कूंद गई थरां दी तुहाडे ज्ञान दे नाल। फिर किवें होया? मैनूं इस तरह महसूस होया कि जिवें कोई बिजली मेरे शरीर दे अंदर प्रवेश कर गई होवे, बिजली थर्राउंदी होई, कंबदी होई मेरे शरीर दे अंदर लंघ गई होवे, हुण चकाचूंद है शाई। तो उस तेज रोशनी नूं वल वेखण तो बाद जिवें साडियां अखां चुंधिया जांदियां हन, हुण मेरी हालत उस तरह की हो गई है, भाव मैनूं संसार दे विच तुहाडे तो बिना कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा। जिस तरह बच्चे असीं बहुत तेज़ रोशनी वल एक बारी देख लैंदे हाँ तो सानूं आला दुआला
जिहड़ा है वह दिखना बंद हो जाता है। उस तरह कवि कह रहा है कि जदों मैनू परमात्मा दे दर्शन हो गए, मैनू परमात्मा दी सोझी हो गई, मैनू ज्ञान हो गया, तो मैनू सारिया दुनियावी चीज़ां जिहड़ियां सी उह दिखणों हट गईयां ते मैनू सिर्फ सचारे पासे उह परमात्मा ही दिखाई देण लग पिया। इस तरह बेटा इस कविता विच भाई वीर सिंह जी ने अपने एक सुपने का वर्णन किया है कि किस तरह सुपने विच उन्हां नू परमात्मा दे दर्शन होए ते किस तरह उन्हां नू उन्हां दे मेल नाल जिहड़ी है ज्ञान दी प्राप्ति हुई। इस कविता विच बेटा तुहानू औखे शब्दां दे अर्थ दित्ते गए आ, उह तुसीं कर लैणे आ। उस तो बाद प्रश्न है कि कवि की कलाई क्यों कंब रही सी, निरानूर शब्द किस लिए वरत्या गया है, कविता विचला जिहड़ा रहस्य है वो बारे वर्णन करो। ये प्रश्न है तुसी हल कर लेने हैं। तो अगली कविता जो त्रेल तुपका है भाई वीर सिंह की, वो आप अगली वीडियो दे विच करांगे। तद तक लई धन्नवाद।